दोस्तों, थर्ड टेंपल के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे आप सबको समझने में आसानी होगी कि ये एक्चुअली थर्ड टेंपल क्या चीज़ है। दोस्तों, हम और आप जैसे लोग, ये जो बीमारी फैली हुई है, इस दौरान क्या चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस बीमारी का कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकल जाए, राइट? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा मसीह आने वाला है, हमें इन सब दवाइयों की या कोई भी तरह के मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसराइली के हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसी ही कुछ बातें रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सब अभी ही रिसेंट की बातें हैं। तो इसका साफ साफ मतलब क्या है और किस तरह से दज्जाल के आने की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो दोस्तों ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा और जानिएगा कि क्या है ये सब के पीछे की सच्चाई। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टेबल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को 5K सब्सक्राइबर रीच करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ज्यूइश लोग आप जानते होंगे, ज्यूइश यानी कि यहूदी लोग। अभी यहूदी लोग जो होते हैं, जीविश लोग, उनका बिलीफ होता है कि उनका मसीह आएगा और पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा इसराइली, मतलब जेरूसलम से। जेरूसलम जो कि अब कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है इसराइल का, तो वहाँ से ये जो है इनका मसीहा वहाँ से पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि किस तरह से इसराइली हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि उनका मसीह आने वाला है, मतलब कि इन द सेंस आ चुका है उन्होंने कहा, और सिर्फ उसे सामने रिवील होने की देरी है। दोस्तों, शायद आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 6 दिसंबर 2017 को जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल अनाउंस कर दिया था और पूरे अमेरिकन एम्बेसी को जेरूसलम में मूव करने की बात की थी। तो हम कह सकते हैं कि आपके ट्रंप का भी कुछ कनेक्शन है ज्यूइश लोगों से, मतलब कि उस जेरूसलम से। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं आप लोगों से क्या क्या कह रहा हूँ। तो इन यहूदी यानी कि जीविश लोगों का मानना है कि दज्जाल यानी कि इनके अकॉर्डिंग मसीहा आने वाला है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा। तो इस मसीहा के लिए ट्रंप जीविश लोग मिलकर एक थर्ड टेंपल को बनाने वाले हैं, मतलब कि एक टेंपल रीबिल्ड करने वाले। तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ में किस तरह से अपना योगदान दिए हुए वो जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए क्योंकि ये कॉइन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इस पर किंग साइरस और डोनाल्ड ट्रंप का ही फोटो बनाया गया है, जो इस थर्ड टेंपल में एंट्री एग्जिट के लिए काम करने वाला है। तो आप देखोगे उस पॉइंट पे ध्यान से, तो किंग साइरस, डोनाल्ड ट्रंप और एक थर्ड टेंपल बनाया गया, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कैंडल वाला जो स्टैंड होता है वो भी बनाया गया है। तो वो थर्ड टेंपल की मेन निशानी है और पूरा थर्ड टेंपल भी इस पर बनाया गया है। तो इस तरह से ये पूरे थर्ड टेंपल की प्लानिंग चालू है। मैं आप लोगों को और आगे आप वीडियो में बढ़ोगे अभी आगे, तो मैं पूरी सीन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पूरी चीज़ें एक एक स्टेप वाइज समझते जाइए। तो दोस्तों, ये एक पूरी तरह से जिसे मान रहे हैं कि इनका मसीह आने वाला है, वो पूरी तरह से दज्जाल ही है, क्योंकि दज्जाल ही जेरूसलम से अपनी हुकूमत बनाने वाला है। पहले वहाँ से मोस्टली वो अपने फॉलोअर्स यहूदियों यानी कि जीविश लोगों को ही बनाएगा। 1917 में, मतलब कि 1917 में ब्रिटेन ने अपने कुछ रिलेशंस बना लिए थे इन जीविश पीपल से, मतलब कि इसराइल जेरूसलम से। तो ये जो ब्रिटेन वाले हैं, इन्होंने ऐसे हिडन रिलेशन बताया था, मतलब कि बात ज़्यादा किसी को बाहर नहीं पता थी। जैसे कि हमने अभी स्टार्ट में डिस्कस किया कि ट्रंप ने भी 6 दिसंबर 2017 को ये चीज़ें की थी, मतलब कि रिलेशंस मेंटेन किए इन लोगों के साथ। तो अब ये जो 1917 में बात हुई थी ब्रिटेन की, मतलब कि बरतानिया लोग ने यहाँ पर रिलेशन बनाए थे, और 2017 में आज ट्रंप ने बनाया। तो ये क्या हुआ, मतलब कि 1917 से 2017 के बीच में 100 साल हो चुके हैं। एक दिन फिर दूसरे दौर में कैसा होगा, एक दिन होगा वो एक मंथ का होगा, मतलब कि उस दज्जाल का एक दिन हमारा एक महीने के बराबर होता है, और फिर एक तीसरे दौर में एक दिन जो दज्जाल का होगा वो हमारे एक हफ्ते के बराबर होगा, और वैसे ही चौथे इसमें उसका एक दिन हमारा एक दिन नॉर्मल इक्वल हो जाएगा। 100% श्योर कैसे हो कि दूसरा दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से 1917 में ब्रिटेन ने रिलेशंस बनाए थे इसराइल के साथ हिडन तरीके से, वैसे ही ट्रंप ने भी 2017 में बनाए। तो मतलब कि 2017 से ये दूसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है, जो हमारा दौर है। अब जेरूसलम में ये थर्ड टेंपल बनाया जाएगा, क्योंकि इनके हिसाब से बहुत कम टाइम बचा हुआ है और मसीह आने वाला है, बट वो एक्चुअल मसीह नहीं होगा, इतना ध्यान में रखिए, और वो एक झूठा मसीह होगा जिसे ये जीविश लोग अपना मसीह मान बैठे हैं। उसके लिए ये लोग थर्ड टेंपल बनाने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ नहीं होता तो आज ये कॉइन पर उसका फोटो नहीं होता। मतलब कि साफ है कि दज्जाल अपनी हुकूमत इस टेंपल से रह के करने वाला है। तो
तो अब हम कह सकते हैं कि अब इस दुनिया का ज़्यादा समय नहीं बचा है। और तो और सीक्रेट सोसाइटीज जो इस दज्जाल को मानते हैं, जैसे कि फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी वाले मेंबर्स लोग, तो उन लोगों ने भी अपने कहीं सारे ऐसे मकसद है, मोटिवेशंस है जो उन लोगों ने पूरे कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या है ये पूरा सीन जो आज के करंट कंडीशंस बनी हुई है, पूरा जो इकोनॉमी गिरना, लोगों की रिलीजियस प्लेसेस पूरी बंद हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे पूरे न्यूज़ चैनलों में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती है जो है भी नहीं। लेकिन ये जो पूरी रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उन सब के रिलीजियस प्लेसेस को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये क्या निशानी है? ये सबसे बड़ी निशानी यही है कि दुनिया का एक समय आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों को क्या सोच है, मैं जानना चाहता हूँ। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो उसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मिस्टीरियस चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।